देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि मेडिकल, इंजीनियरिंग और एमबीए करने के बाद भी जॉब के लिए परेशान लोग उन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं पास है। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे पुलिस विभाग में कुल 792 पदों पर भर्तियां निकली हैं। इनमें से 720 सीटें सिपाही यानी कांस्टेबल भर्ती के लिए है, वहीं 72 सरकारी ड्राइवर के लिए। टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार इस भर्ती के लिए अप्लाई करने वाले कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो ओवर क्वालिफाइड हैं। चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस जॉब के लिए अब तक 73,242 जॉब एप्लीकेशन आ चुके हैं। इनमें से 2,390 ऐसे कैंडिडेट हैं जो किसी न किसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जबकि 848 पोस्ट ग्रेजुएटेड हैं जो होम्योपैथी, आयुर्वेद जैसी मेडिकल की डिग्री हासिल कर चुके हैं। भर्ती प्रक्रिया सुपरवाइज कर रहे पुणे पुलिस के एडिशनल कमिश्नर रामनाथ पोकाले ने टीओआई से बातचीत में बताया, बैचलर और मास्टर डिग्री वाले उम्मीदवार अपनी फील्ड में अच्छी नॉलेज रखते हैं। वो न सिर्फ ब्राइट और इंटेलिजेंट होते हैं बल्कि फिजिकल और रिटन एग्जाम में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। उनकी क्षमता से पुलिस फोर्स की जरूरतें पूरी होती है। इसके अलावा उनके पास आगे एमपीएसयू और यूपीएससी एग्जाम में अपेयर होने का भी मौका रहता है। बता दें कि पुणे पुलिस ड्राइवर की भर्ती प्रक्रिया 3 जनवरी से शुरू हो चुकी है, वहीं कांस्टेबल पोस्ट के लिए 18 जनवरी से भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें लोकमत हिंदी।